देखो जाहिर सी बात है कि एक एक चीज को पूरा हम डिटेल में करेंगे, एक एक पॉइंट को, ठीक है। पर अभी मैं आपके सामने जो चार्ट बनाने जा रहा हूं वो आपको वैसे के वैसे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा, ब्लड वाला चार्ट, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहां क्या है, ब्लड है, ये हमारे पास यहां पे अब ब्लड है। अब ब्लड के अंदर हमने जब झांक के देखा तो ब्लड के अंदर हमें दो कंपोनेंट मिले, एक तो हमें ब्लड के अंदर लिक्विड कंपोनेंट मिला और दूसरा क्या मिला, हमें सॉलिड कंपोनेंट मिला, ठीक है। अब ब्लड के जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, प्लाज्मा बोल देते हैं। और ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे उसको ब्लड सेल्स बोल देंगे, ब्लड सेल्स या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट क्या बोल दिया, ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और लिक्विड को क्या बोल दिया हमने, प्लाज्मा बोल दिया, ठीक है। अब परसेंटेज की बात कर लें तो जो लिक्विड पोर्शन यानी प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का कितना, 55% पार्ट बनाता है, और जो सॉलिड पोर्शन यानी ब्लड सेल्स हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कितना बनाएगा, ऑटोमेटिक है ये 55 है तो ये कितना बनाएगा, 45% बनाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करें तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तीन टाइप की हमें दिखाई देंगी। कौन सी कौन सी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, या इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। दूसरी हो जाएंगी अपने पास व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, या दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, या तीसरी हो जाएंगी अपने पास प्लेटलेट्स हो जाएंगी, ठीक है। अब WBC के अंदर झांक के देखें तो ये फर्दर दो टाइप की हमें दिखाई देंगी, कैसी कैसी, एक ग्रेन्यूलोसाइट, एक एग्रेन्यूलोसाइट। देखो एक एक चीज को हम बाद में डिटेल में करेंगे पर ये चार्ट आना जरूरी है। WBC फर्दर दो टाइप की, ग्रेन्यूलोसाइट एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है तो एग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेन्यूलोसाइट फर्दर तीन टाइप की हमें दिखाई देगी, एक न्यूट्रोफिल, एक एसिडोफिल, एक बेसोफिल। अब एसिडोफिल का ही एक और नाम होता है इओसिनोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट फर्दर दो टाइप की हमें दिखाई देगी, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है, डब्ल्यूबीसी दो पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट तीन टाइप की, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, एक ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और इओसिनोफिल एसिडोफिल का ही दूसरा नाम होता है। इस बात में कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ठीक है। देखो एसिड बेस ऐसे याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब यहां अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और वाटर कितना परसेंट बनाएगा प्लाज्मा का, 90 से 92% एनसीआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, टोटल प्लाज्मा का 90 से 92% क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, मतलब प्लाज्मा में लगभग पानी ही भरा पड़े। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा में होता है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स जो कितनी परसेंटेज बनाएंगे, 6 to 8% बनाएंगे, 6 to 8%, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और क्या प्रेजेंट होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स, और क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होंगे, और प्लाज्मा में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और क्या होंगे, ग्लूकोज हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएंगे, लिपिड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बात की, प्लाज्मा में क्या होता है, वॉटर प्रेजेंट होता है, ये वॉटर हो गया, और क्या है अपने पास, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और क्या है, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, है ना। मिनरल्स में क्या जाएंगे अपने, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब, ये कॉमन सी बातें हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और परसेंटेज की बात करें तो वाटर कितना है, 90 to 92%, और प्रोटीन्स कितने, 6 to 8% एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो इनको क्या बोल देंगे हम, प्लाज्मा प्रोटीन्स बोल देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। अब तीन प्लाज्मा प्रोटीन जो मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है उनकी बात एनसीईआरटी में की गई है, कौन से, एक फिब्रिनोजन, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबुलिन, ठीक है, एक फिब्रिनोजन, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबुलिन, इनकी भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले ये बेसिक चार्ट देखो, ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन, एक सॉलिड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन बनाएगा 55%, सॉलिड पोर्शन बनाएगा 45%। लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ब्लड सेल्स भी आगे तीन टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी फर्दर दो टाइप की, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स भी तीन टाइप की, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रेन्यूलोसाइट फर्दर दो टाइप की, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और इधर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है हम वो देख रहे हैं। वॉटर
में प्रेजेंट होता है कितना, 92%। और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 6-8%, है ना, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और एनसीईआरटी में मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन्स का जिक्र किया गया है, कौन से, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले। और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ना। और क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा सीरम, आपको एक वर्ड दिखाई देगा सीरम, ठीक है। देखो हमने प्लाज्मा में बात की कि क्या क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को उड़ा दें, अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दें, तो जो ये बच जाएगा इसी को हम बोल देंगे सीरम, है ना। सीरम सिंपली क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। इतनी बातें अब यहां पे क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देख लो। देखो सबसे पहले हम इन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे, फिर हम आरबीसी की बात करेंगे, फिर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, इसकी 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 इसकी, और फिर हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, ये अपना ब्लड वाला पोर्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे साथ में एक और मैं आपको चीज बता दूं, ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4, है ना, मतलब अल्कलाइन साइड पे, बेसिक साइड पे 7.4 ब्लड की पीएच होती है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, अब बढ़ने जा रहे हैं आगे। अब देखो हमने बात की अभी किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन्स की, हमने बात की किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन्स की हमने बात की। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स भी जो मोस्ट कॉमन जो अपने तीन दिए हुए, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा, है ना, तीन दिए हुए, कौन से दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है अपना क्या, फिब्रिनोजन दिया हुआ है, एक अपना क्या है ग्लोब्यूलिन, एक ग्लोब्यूलिन, और एक अपना क्या है अल्ब्यूमिन, ठीक है। अपने मोस्ट कॉमन प्लाज्मा, तीन प्लाज्मा प्रोटीन दिए हुए, कौन से, एक है अपना फिब्रिनोजन, एक ग्लोबुलिन, एक अल्ब्यूमिन। अब इनके फंक्शन है, जो एनसीईआरटी में दिया है वो देख लेते हैं। देखो फिब्रिनोजन जो है वो कहां काम आता है, अपना ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, ब्लड क्लोटिंग में, बस इस पे अपनी बात खत्म है, कैसे काम आता है ये आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। और ग्लोबुलिन कहां कहां आता है, देखो आपने देखा होगा जो होती है ना अपनी एंटीबॉडीज होती है कि IgA, IgM, ठीक है, ये आपने सुना है एंटीबॉडी होती है, तो ये जो जी है, ये क्या है, ये ग्लोबुलिन ही तो है। मतलब इससे अपने को समझ में आ गया कि जो ग्लोबुलिन है वो अपना किस में काम आएगा, वो अपना इम्यूनिटी में काम आएगा। सीधी सी बात है, एंटीबॉडी किस में काम आएंगी, इम्यूनिटी में काम आएंगी, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएंगे, तो ग्लोबुलिन का फंक्शन इम्यूनिटी में काम आएगा। और एल्ब्यूमिन किस काम आएगा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। बिल्कुल एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो मोस्ट कॉमन है वो अपने पास तीन है, एक फिब्रिनोजन है, एक ग्लोबुलिन है, एक अल्ब्यूमिन है। बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया कि फिब्रिनोजन का फंक्शन आ जाए तो क्या, ब्लड क्लोटिंग में काम आएगा, और ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, अपना इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ भी बोल लो आप, इम्यूनिटी में काम आएगा। और ये बात हमने कैसे सीखी कि जो एंटीबॉडी होती है IgA, IgM, IgG, है ना, इसमें जी क्या होता है, ये जी ग्लोबुलिन ही तो होता है, तो ये इम्यूनिटी में काम आएंगी एंटीबॉडीज अपनी, ठीक है। और अल्ब्यूमिन का फंक्शन हमने क्या देखा कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड में क्या है, कोलोइडल, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करेगा। ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे इसको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो हमने अभी तक क्या किया है, हम अपने ब्लड को देख रहे हैं, और ब्लड में हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड के अंदर जो 55% है वो क्या प्रेजेंट है, अपना प्लाज्मा प्रेजेंट है, और 45% अपनी क्या थी, ब्लड सेल्स थी, 45% थी अपनी ब्लड सेल्स, जिसमें अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि। अब आपको एक वर्ड दिखाई पड़ेगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है, देखो सिंपल है, अपने टोटल ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, देखो सेल, जो सेल्स हैं वो कितनी है, 45% है, तो ये इसी परसेंटेज को दिखा रहा है क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम, कि ब्लड के अंदर सेल कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन की बात की है, बिल्कुल हेल्दी ह्यूमन की बात की है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर आरबीसी, आरबीसी की जो अमाउंट है वो घट जाए, कम हो जाए, तो क्या है, ये कम हो जाएगी परसेंटेज, है ना, और बढ़ जाए तो बढ़ भी सकती है, मतलब ये हेल्दी की बात की है, ये कम ज्यादा परसेंटेज हो सकती है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम, कि ब्लड के अंदर अपनी सेल्स कितनी परसेंटेज, अपनी परसेंटेज कितनी है सेल्स की, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अबंडेंसी की बात कर लेते हैं। देखो ब्लड सेल्स अपने पास कौन सी होती है, ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की, प्लाज्मा हम खत्म कर चुके हैं, ब्लड सेल्स कौन सी होंगी अपने पास, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होगी। आरबीसी यानी रेड ब्लड
ब्लड सेल और इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है क्या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब ये कितनी प्रेजेंट होती है, इसकी संख्या क्या है, नंबर क्या है, ब्लड के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, तो आरबीसी कितनी है 5.5 मिलियन आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितनी याद रखनी है 6,000 से 8,000 तक, और प्लेटलेट याद रखनी है 1.5 से 3.5 लाख 1.5 to 3.5 लाख। ठीक है, अब आप सीधा सीधा आप देख सकते हो कि आरबीसी का जो अमाउंट है वो मिलियंस में है, ये बेचारी लाखों में, ये बेचारी बिल्कुल ही हजारों में, और आरबीसी कितने में है मिलियंस में प्रेजेंट है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम में जो ये परसेंटेज दिख रही है ना, ये मेनली किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से ही होती है। ठीक है, इसलिए हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है ना, हिमेटोक्रिट वैल्यू, वो भी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आरबीसी की परसेंटेज टोटल ब्लड में कितनी है, वो हिमेटोक्रिट वैल्यू है ना। आप देख पा रहे हो कि आरबीसी कितनी संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी कि आरबीसी 5.5 मिलियन होती है और डब्ल्यूबीसी क्या है मान लो 6,000 होती है। ठीक है, तो पर कितने ब्लड में होती है ना, 1 लीटर ब्लड में है या 2 लीटर ब्लड में है या पूरी बॉडी में, ये बात तो हमने की नहीं। ठीक, तो इसकी एक सिंपल सी यूनिट अपने को याद रखनी है कि ये कितने ब्लड में है, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है ना। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी 6,000 है, तो कितने 6,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, आरबीसी 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है ना, ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और एक यहां से मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली हम कर सकते हैं कि आरबीसी क्या है, सबसे अबंडेंट है, मतलब पहले नंबर पे आएगी आरबीसी, और प्लेटलेट्स फिर उसके बाद है ना, ये लाख में, देखो ये मिलियंस में, ये लैक्स में, ये हजारों में है, तो दूसरे नंबर पे अबंडेंट है प्लेटलेट, और जो सबसे कम है संख्या में वो है अपनी डब्ल्यूबीसी, पहले पे आरबीसी फिर प्लेटलेट फिर अपनी डब्ल्यूबीसी, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में, अब हम पढ़ने वाले आरबीसी या इसका दूसरा नाम बोल लो एरिथ्रोसाइट के बारे में। ठीक है, एक एक पॉइंट बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कॉपी पेस्ट कराऊंगा, बिल्कुल शांति से करेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज तो हम कर चुके हैं कि आरबीसी जो है सबसे अबंडेंट है। देखो अपने पास कौन सी है, 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है जिसमें आरबीसी सबसे अबंडेंट है, फिर अपनी क्या है प्लेटलेट्स है, फिर अपनी क्या है डब्ल्यूबीसी है, तो आरबीसी सबसे अबंडेंट ब्लड सेल है, ये बात पहली बात अपनी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो मजे की बातें करते हैं। देखो यहां पे ये आ रहा है सेल, रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी क्या है एक तरीके की सेल है। अब सीधी सी बात है, सेल है मतलब ये जिंदा चीज है ना, सेल जो वर्ड है हम हमेशा लिविंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए सेल वर्ड का यूज नहीं किया जाता, तो लिविंग के लिए यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है इस सेल का एक जगह पे जन्म हुआ होगा और यहां पे इसने लाइफ स्पैन अपना कंप्लीट किया और यहां पे मर गई है ना। कोई भी जिंदा चीज है वो यहां पे है ना, एक जगह पे एक टाइम पे उसका जन्म हुआ, फिर उसने अपनी जिंदगी पूरी जी ली, फिर यहां पे वो मर जाएगी। ठीक है, अब जन्म यानी आरबीसी की फॉर्मेशन की बात करें तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कहां होता है, रेड बोन मैरो में, और रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, अब रेड बोन मैरो क्या होता है ये हम बोन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आरबीसी की फॉर्मेशन कहां हुई, रेड बोन मैरो में, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे इसने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट किया और लाइफ स्पैन भी कितना, इसकी जिंदगी कितनी होती है 120 डेज, 120 दिन की जिंदगी आरबीसी ने अपनी पूरी की और यहां पे इसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ कहां होगी, इसकी स्प्लीन में होगी, स्प्लीन में क्या है, डिस्ट्रॉय हो रही है अपनी आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोल दिया जाता है, स्प्लीन को बोल दिया जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों बोल रहे हैं हम स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी यहां डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, आरबीसी की हमने यहां जिंदगी देखी कि यहां पे आरबीसी की फॉर्मेशन यानी जन्म हुआ कहां, रेड बोन मैरो में, फिर उसने 120 दिन का लाइफ स्पैन, हां एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, 120 दिन की अपनी जिंदगी पूरी की, फिर वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो गई, इसीलिए स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डेथ हो रही है उसकी, इसीलिए उसको बोल दिया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब हम
मैमल्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में क्या है, जो अपनी आरबीसी है वो बाय कनकेव होती है। बाय कनकेव, देखो कनकेव क्या होता है, कनकेव केव, देखो सीधी सी बात है ना, हमने ऑप्टिक्स पढ़ी है, ये क्या है अपना कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, और इधर से ये कैसा है, ये कॉनकेव सरफेस है। तो बाय कनकेव देखो, एक तो ये है अपना कॉनकेव और ये अपना कनकेव है ना, एक कनकेव दो कनकेव, मतलब ये बाय कनकेव होती है। मैमल्स की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां क्या, बाय कनकेव होती है किसमें, मोस्ट ऑफ द मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आरबीसी के अंदर एक खास बातें आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ना, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना अब्सेंट होता है, गोल्जी बॉडी अब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, मतलब कहने की बात यह है जो भी सेल के अंदर सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आरबीसी के अंदर अब्सेंट होती है ना। हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द मैमल्स में कि उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट, गोल्जी बॉडी अब्सेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर सामान होता है वो इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये अब्सेंट आखिर होते क्यों हैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खाली स्पेस चाहिए, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आरबीसी के अंदर देखो, नॉर्मल सेल के अंदर जो जरूरी सामान होता है वो आरबीसी के अंदर अब्सेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें आरबीसी के अंदर क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाली स्पेस चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें इसमें अब्सेंट है, ठीक है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमें इसके अंदर खाली स्पेस क्यों चाहिए, है ना, रीजन क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसमें इसमें एक बहुत मस्त वाली चीज प्रेजेंट होती है आरबीसी के अंदर, क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, कैसा पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है, कैसा, रेड कलर का पिगमेंट है, और इसीलिए इस रेड कलर के पिगमेंट की वजह से ही आरबीसी कैसी दिखाई पड़ती है अपने को, रेड दिखाई पड़ती है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है रेड ब्लड सेल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आरबीसी के अंदर जो अपनी सेल ऑर्गेनली जैसे सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, मैच्योर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैच्योर आरबीसी और मोस्ट ऑफ द मैमल्स के, है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, और खाली स्पेस हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को वहां हीमोग्लोबिन कैरी करना है। अब हीमोग्लोबिन कैसा है, पिगमेंट है, कैसा पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, इसीलिए नाम पड़ गया रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, तो ये रेड कलर का जो पिगमेंट है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब पूरा फ्लो समझना, पूरा फ्लो समझना, देखो आरबीसी है अपने पास, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैरी करेगा ऑक्सीजन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ऑक्सीजन को कैरी करना आरबीसी का फंक्शन है। पूरा अपने को चीजें बिल्कुल आसानी से समझ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत आसान तरीके से अब समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जगह पे काम आएगा, इस पे हम बात करने अब जा रहे हैं। देखो हीमोग्लोबिन के बारे में छोटी से छोटी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है, पर आपको मैं कसम दे रहा हूं कि एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसके नाम से ही करेंगे, कुछ हम याद नहीं करेंगे, चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब आती है साथ में लिखने में, पर इस चीज को हम आसानी से इग्नोर कर देंगे, ठीक है। देखो ये अपने पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अब देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट अपने पास आ रहे हैं, एक तो अपना आ रहा है क्या, एक अपना हीम आ रहा है, देखो हीम आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, अपना ग्लोबिन आ रहा है। अब एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, जो हीम है वो कंपोनेंट कैसा है, अपना पिगमेंट है।
ये अपना पिगमेंट वाला कंपोनेंट है, और जो ग्लोबिन है वो कैसा है, प्रोटीन वाला, और जो ग्लोबिन है वो कैसा है, प्रोटीन वाला कंपोनेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना है। तो जो हीम है वो पिगमेंट वाला कंपोनेंट है और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन वाला कंपोनेंट है। इतनी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब मैं एक बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं कि अगर हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें चार चार हमारे पास हीम आएंगे और क्या आएंगी अपने पास, चार ग्लोबिन चेन्स आएंगी, चार ग्लोबिन चेन्स। ठीक है, इस पैटर्न को पकड़ना, हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें चार अपने पास हीम आएंगे जो कि पिगमेंट को दर्शा रहे हैं, और चार अपने पास ग्लोबिन चेन्स आएंगी जो प्रोटीन को दर्शा रही है। ठीक है, अब अगर इस एक हम एक हीम की बात करने जा रहे हैं कि ये एक हीम कैसा दिखता है, तो एक हीम के अंदर अपने को दो चीजें दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देंगी, एक तो अपने को मिलेगा आयरन और एक अपने को मिलेगा पोरफायरिन। एक मिलेगा आयरन, एक अपने को मिलेगा पोरफायरिन। ठीक है, अब इनका डायग्राम मैं आपको बता दूं, देखो रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि चीजें अपने लिए आसान हो जाए। डायग्राम बता दूं तो आयरन मान लो ऐसा दिखेगा, आयरन आपको ऐसा दिखेगा और पोरफायरिन अपने को कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, पोरफायरिन ऐसा दिखेगा, है ना। और टोटल हीम की बात करें, टोटल हीम की बात करें तो वो कैसा दिखने लग जाएगा, आज वो कैसा दिखने लग जाएगा, देखो इसको इसमें फिट कर दो सिंपली, इसको क्या है में फिट कर दो, तो ये अपना टोटल क्या बन गया, ये अपना हीम बन चुका है, ये अपना एक हीम कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें क्या है, रेड कलर वाला क्या है, अपना पोरफायरिन है, और ये बीच में उसके कहां फिट हो जाएगा, क्या अपना आयरन फिट हो जाएगा। तो ये एक हीम देख लिया, और ऐसे ऐसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ऐसे ऐसे चार हीम प्रेजेंट होंगे। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब इधर बात कर लें, अगर चार ग्लोबिन चेन्स की, चार ग्लोबिन चेन्स की बात करें तो दो होंगी अल्फा चेन्स और दो होंगी बीटा चेन्स, है ना। मैं यहां पर अल्फा चेन्स बना देता हूं, मैं यहां पे अल्फा चेन बना देता हूं। देखो ये मैंने बना दी अल्फा चेन, एक अल्फा चेन, ये मैंने बना दी दूसरी अल्फा चेन, और यहां मैं बीटा चेन बना देता हूं, ये मैंने बना दी एक बीटा चेन, ये मैंने बना दी दूसरी बीटा चेन। ठीक है, अब देखो अब होना क्या है, अब होना क्या है, हम एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखना चाहते हैं जिसमें क्या क्या होगा, चार तो हीम प्रेजेंट होंगे और ये चारों चेन भी इन्वॉल्व होंगी, ये चारों चेन भी उसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो उसको बना के देखते हैं वो कैसे बनेगा। अब देखो मैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल यहां पे बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें क्या थे, चार तो अपने क्या होंगे, हीम प्रेजेंट होंगे। मैं चार अपने हीम बना लेता हूं, ये मैंने चार हीम बना दिए। हमने देखा था ना कि हीम हमने कैसे बनाए थे, हीम में क्या होगा, रेड वाला अपना पोरफायरिन और बीच में इसके आयरन घुसा दो, बीच में आयरन घुसा दो, बीच में आयरन घुसा दो, बीच में आयरन घुसा दो। ये अपने चार क्या हो चुके हैं, हीम हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, ग्लोबिन चाहिए, और ग्लोबिन की भी दो चेन थी, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। तो मैं इसमें ये मैं एक अल्फा चेन बना देता हूं, ये मैंने एक अल्फा चेन बना दी, ये मैंने दूसरी अल्फा चेन बना दी, ये मैंने दूसरी अल्फा चेन, तो दो अल्फा चेन अपनी हो चुकी है। एक मैं करता हूं, अब क्या करता हूं, मैं दो बीटा चेन बना देता हूं, ये मैंने दो बीटा चेन बना दी, ये एक बीटा चेन और ये अपनी हो गई दो बीटा चेन। ठीक है, अब ये टोटल अपना क्या बन गया, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन गया जिसमें क्या प्रेजेंट है, चार अपने पास हीम प्रेजेंट है जिसमें क्या क्या होगा, आयरन होगा और पोरफायरिन हो गया, और क्या है अपने पास, चार ग्लोबिन चेन्स प्रेजेंट है, ग्लोबिन चेन जिसमें दो अपने पास अल्फा है प्लस दो अपने पास बीटा है। और ये बातें हम कर चुके हैं कि हीम कैसा है अपना पिगमेंट वाला पोर्शन है और ग्लोबिन चेन्स अपना क्या है, प्रोटीन वाला पोर्शन है। एक हीमोग्लोबिन की हमने स्ट्रक्चर देख ली, उसकी कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर लिया कैसे कैसे बना है। अब हीमोग्लोबिन में और भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, अब उनको दूर कर लेते हैं।
अब देखो हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ चुके हैं। अब हीमोग्लोबिन के बारे में और ज्यादा यहाँ पे मजेदार बातें होने वाली हैं और ये बातें हमें कई जगह पे काम आएंगी, इस वाले चैप्टर में भी, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी बहुत काम में आते हैं। देखो आपने गौर किया होगा कि जब हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, है ना, मान लो हम हॉस्पिटल गए या किसी लैब में गए और हीमोग्लोबिन हमने चेक कराया, तो आपने देखा होगा किसी में, मान लो बोलते हैं ना कि 12 ग्राम खून है, 12 ग्राम वो क्या होता है, 12 ग्राम खून बोलते हैं जो, तो 12 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। या किसी में बोलते हैं, किसी में 13 ग्राम है ना, किसी में 15 ग्राम है, किसी में 17 ग्राम है ना, 17 तो बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम ही हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, बेसिकली है क्या, तो ये क्या है कि कितने ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, कितने ग्राम, है ना। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू ले ले तो नॉर्मल एक हेल्दी एडल्ट इंसान में हम मान के चलते हैं चलो कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लैब में टेस्ट करवाने गए, मान लो मैं अपना टेस्ट कराने गया ब्लड का और मेरी रिपोर्ट में आया कि मेरे अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये 15 ग्राम कहां पे प्रेजेंट है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या मेरे 5 लीटर ब्लड में है या मेरे 1 लीटर ब्लड में है या कितने में प्रेजेंट है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि 15, देखो क्या है, मेरे अंदर मान लो 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतने ग्राम हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है, मेरे 100 ml ऑफ ब्लड में, कि मेरे 100 ml ऑफ ब्लड में इतने ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसको यहां पे मार्क कर लेते हैं कि मेरे 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है, किसी में 12 है तो उसके 100 ml ऑफ ब्लड में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो पहली बात यहां पे क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना। अब ये ऑक्सीजन कितनी कैरी करता है, कैसे करता है, वो देखते हैं, ठीक है। देखो एक ग्राम बोल रहा हूं मैं, है ना, ध्यान देना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब देखो 1 ग्राम इतने को कैरी करते हैं तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी कैरी करेगा, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी कैरी करेगा, तो सिंपल सी बात है 1.34 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो ये लगभग अपना कितना आएगा, 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब क्या कहना चाहता है कि 15 ग्राम, देखो मैं एक बात पे यहां पे आपको समझा दूं कि हम हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल की बात यहां नहीं कर रहे, हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ग्राम की। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी, 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कैरी कर सकता है। यहां एक बात अपनी पैक हो गई, ठीक है। अब एक मजेदार बात यहां पे देखो, मजेदार बात यहां पे देखो कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट था, 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर क्या है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ये पहली बात अपनी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, अभी तक हम सारी बातें किसमें कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं, हमने मॉलिक्यूल की बात नहीं की, मॉलिक्यूल की बात है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेंगे कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो इसका आंसर है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। मॉलिक्यूल का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ना, ये भी अपना क्या है, मॉलिक्यूल है ना कि ग्राम है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल तो 4 हो गए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एटम कितने कैरी कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, देखो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो एटम का क्वेश्चन
पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं चीजों को, बार बार जानबूझ के रिपीट करता हूं। एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है ना। और मैं दूसरी भाषा में बोलूं, एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ये बातें बिल्कुल यहां पे क्लियर हो रही है। अब बढ़ना पड़ेगा अपने को आगे। अब देखो, हम हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। अब ये एक छोटी सी कंफ्यूजन बचती है जो आगे हमें तंग कर सकती है। देखो, एक आपको मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक आपको मिलेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक आपको मिलेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एक आपको मिलेगा क्या, मेट हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड मेट हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे बने हैं, इसको देखते हैं। देखो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हीमोग्लोबिन 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 तो सब में है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन तो क्या है, सबके अंदर प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, सबके अंदर प्रेजेंट होगा, ये कॉमन बात है। प्लस, अब प्लस अपने को देखना है क्या क्या प्रेजेंट होगा, बिल्कुल नाम से करेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। देखो, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, बात खत्म है। कार्बोक्सी की बात करें तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है अपना कार्बोक्सी, कार्बन और ऑक्सीजन अपना क्या है, कार्बोक्सी, ये अपना हीमोग्लोबिन है, तो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब क्या कहना चाहता है कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसकी बात कर लें तो ये बनता है CO2 के साथ। मतलब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ बाइंड करेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसमें ये अमीनो कहां से आया। अमीनो, देखो सिंपल सी बात है, हमने हीमोग्लोबिन के अंदर बात की थी कि एक पिगमेंट वाला पार्ट होता है, जो हमने क्या बोला था, हीम, और एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है ना, याद करो, प्रोटीन वाला पार्ट किया था हमने, जिसमें अपने पास दो चेन थी अल्फा और दो चेन थी बीटा। तो जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होगा, तो उस अमीनो ग्रुप के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया है, इसीलिए इसके नाम में आया है अमीनो, ठीक है। बिल्कुल, इतनी बात क्लियर है। अब मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखो मेट हीमोग्लोबिन की कंफ्यूजन को समझो। देखो, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, देखो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, इतनी बात क्लियर है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें। बट अगर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन +3 फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोल देंगे मेट हीमोग्लोबिन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड कर दिया। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन का मतलब कि मैंने क्या बताया कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन है कि आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के अंदर। बट अगर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन +3 फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम बोल देंगे मेट हीमोग्लोबिन। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, हीमोग्लोबिन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम हम चीजें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, सारी कंफ्यूजन अपनी क्लियर है यहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपना RBC यानी रेड ब्लड सेल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे WBC के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, या इन्हीं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पे यही बन जाता है, इनको व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोला गया, ठीक है। तो मेरी बात याद करो कि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, जो कि रेड कलर का पिगमेंट था, इसीलिए ये रेड कलर की दिखाई पड़ती है। बट WBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है,
अपसेंट होता है ना, अब हीमोग्लोबिन ही तो था जो रेड कलर का था, अब इसमें पिगमेंट अपसेंट है इसीलिए ये कलरलेस दिखाई पड़ती है, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है क्या, व्हाइट ब्लड सेल बोल दिया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। और अबंडेंसी की बात कर ले तो हम कर चुके हैं, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी, आरबीसी, उसके बाद कौन सी होती है, प्लेटलेट्स, फिर होती है अपनी डब्ल्यूबीसी, है ना, ये अबंडेंसी की, सबसे ज्यादा कौन सी, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, ये अबंडेंसी की बात कर चुके हैं। और कितनी होती है, कैसे होती है, वो भी हम बात कर चुके हैं, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी डिक्टेट करा रहा हूं, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट में क्या है, हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो कितना था, हमने आरबीसी का लाइफ स्पैन किया था कितना, 120 डेज किया था, बट डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, अब अप्रोक्स लगा के चलो तो 13 से 20 दिन होता है, 13 से 20 दिन, है ना, मतलब क्या है, आरबीसी से बहुत ही ज्यादा कम इसका क्या है, लाइफ स्पैन है, ठीक है। और एक हमने बात की थी कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर हमने बात की थी कि क्या न्यूक्लियस जो था अब्सेंट, हमने बात की थी, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है ना, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था, हमने खाली स्पेस रखा था हीमोग्लोबिन के लिए, बट इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो इतनी बातें बिल्कुल एनसीईआरटी यहां पे डिक्टेट हो रही है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, ठीक है, किस बेस पे किया, देखो अगर अगर किसी डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी ग्रेन्यूलोसाइट। और दूसरी बात, अगर किसी डब्ल्यूबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स जो है वो अब्सेंट है तो वो हो जाएगी ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। हमने दो टाइप की आरबीसी पढ़ी, एक ग्रेन्यूलोसाइट, एक ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। और किस बेस पे की, कि अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूलोसाइट, और ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। और ग्रेन्यूल कहां प्रेजेंट हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके, डब्ल्यूबीसी के, ठीक है। अब ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट जो है वो अपने पास तीन तरीके की आ जाती है, कौन सी, एक न्यूट्रोफिल आ जाएगी, एक एसिडोफिल आ जाएगी, एक बेसोफिल आ जाएगी, और एसिडोफिल का ही दूसरा नाम क्या है, इओसिनोफिल होता है। और ए ग्रेन्यूलोसाइट अपने पास दो टाइप की आ जाएंगी, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट, ठीक है, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। अब इनमें इनमें कौन ज्यादा, कौन कम, कौन कितनी ज्यादा, कौन कम, है ना, इसकी मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं। नीलिमा भाभी, देखो नीलिमा भाभी, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या बोलता है, कि सबसे ज्यादा अबंडेंट होगी इन पांचों में, सारी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं हम, इन पांचों की, ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। ये तो अपना अबंडेंसी वाली कंफ्यूजन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की, तो फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट कैसी होती हैं, फेगोसिटिक होती हैं। ये भी कैसी, अपनी फेगोसिटिक होती है ना, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट कैसी होती है, फेगोसिटिक होती है, ठीक है। और इनमें डिटेल में ना हम अपनी इम्यूनिटी वाले चैप्टर में बात करेंगे, यहां पे इतना एनसीईआरटी को पकड़ो बस, ये अपनी दो है फेगोसिटिक, ठीक है। अब यहां पे एसिडोफिल की बात करें तो ये कहां पे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोलने जा रहा हूं कि ये कहां पे रिलीज होगी, इन्फेक्शन वाली जगह पे, प्लस कहां पे, एलर्जी, है ना, इसका लेना देना किससे है, एसिडोफिल या इओसिनोफिल का लेना देना है इन्फेक्शन प्लस एलर्जी से, एनसीईआरटी अपनी डिक्टेट हो रही है। और बेसोफिल की बात करें तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बॉडी में जहां होती है वहां इसका लेना देना होता है इन्फ्लामेशन में। अब इन्फ्लामेशन में ये क्या करती है, ये तीन चीजें रिलीज करेगी जो अपने को याद रखनी है, कौन सी तीन चीजें, एक तो अपना हो जाएगा हिस्टामिन, एक हो जाएगा अपना हिपेरिन, और एक हो जाएगा अपना सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, ठीक है। बेसोफिल क्या है, इन्फ्लामेशन से इसका लेना देना है, और ये तीन चीजें रिलीज करेगी, कौन सी तीन चीजें, हिस्टामिन एंड हिपेरिन एंड क्या है अपना सीरोटोनिन, ठीक है। और इधर लिम्फोसाइट की बात कर लें तो लिम्फोसाइट अपने पास दो टाइप की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, और ये किसमें काम आती है हमें अच्छे तरीके से पता है, किसमें, इम्यूनिटी में अपने काम आती है, इनको डिटेल में हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इनको कर लेते हैं, देखो अपने पास डब्ल्यूबीसी दो टाइप में डिवाइड हो गई, एक तो वो हो गई जिनके ग्रेन्यूल्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और दूसरी हो गई जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट है। तो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो हो जाएंगी ग्रेन्यूलोसाइट, और जिनके में अब्सेंट है वो ए ग्रेन्यूलोसाइट।
अब ग्रेन्यूलोसाइट को भी हमने फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, एक न्यूट्रोफिल, एक एसिडोफिल या इओसिनोफिल, एक बेसोफिल। और ए ग्रेन्यूलोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रोफिल कैसी, फेगोसिटिक इन नेचर, और इसके साथ ही मोनोसाइट भी कैसी होती है, फेगोसिटिक होती है। एसिडोफिल के फंक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में इसका लेना देना है और एलर्जी में इसका लेना देना है। और बेसोफिल की बात करें तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में इसका लेना देना है। और ये क्या क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है, हेपेरिन रिलीज करती है एंड सीरोटोनिन ये रिलीज करती है। और मोनोसाइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, फेगोसिटिक है, न्यूट्रो एंड मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट अपने पास दो टाइप की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और किसका इसका लेना देना किसके है, इम्यूनिटी के साथ है, इसका लेना देना है, है ना, एंटीबॉडीज और वो सब हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और कौन ज्यादा कौन कम होती है इसका हम सिंपल सी ट्रिक कर चुके हैं, नीलीमा भाभी, नीलीमा भाभी, है ना, NLMAB, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, फिर बेसोफिल। ये अपना WBC हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्लेटलेट्स की तरफ। अब हम WBC के बाद अपनी लास्ट ब्लड सेल्स पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स एक ही बात है। ठीक है, अब अबंडेंसी की बात करें तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है RBC, फिर उसके बाद अबंडेंट होती है प्लेटलेट, फिर होती है अपनी WBC। और कौन कितनी होती है ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो प्लेटलेट्स के बारे में जो NCERT में दिया हुआ ना अपना जो भी लिखा हुआ है उसको मैं यहां पे एक फ्लो के थ्रू समझाऊंगा, है ना, बिल्कुल इस फ्लो को पकड़ना, NCERT बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो बोन मैरो के अंदर, देखो बिल्कुल फ्लो पकड़ा रहा हूं आपको, बोन मैरो के अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल्स बनती हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल्स बनती हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, मेगा करियोसाइट्स। NCERT में ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल्स बनती हैं जिनको हमने नाम दिया क्या, मेगा करियोसाइट्स। कहां बनी, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब देखो मेगा मतलब बड़ा, लार्ज, करियो मतलब न्यूक्लियस, करियो का मतलब न्यूक्लियस, हमने पढ़ा ना करियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, तो करियो वर्ड मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल, है ना, इसका मतलब क्या है कि मेगा करियो मतलब बड़े न्यूक्लियस वाली सेल, मेगा मतलब लार्ज, करियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ये कहां बनी, अपनी बोन मैरो में बनी। अब ये मेगा करियोसाइट्स अपनी आगे जाके क्या बना देंगी, प्लेटलेट्स बना देंगी, या इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट बना देंगी। अब इन प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, ये क्लोटिंग में काम आती है, ब्लड क्लोटिंग, है ना, ब्लड क्लोटिंग तो अपने को पता है ना, मान लो किसी को कट लग गया और वहां से खून बह रहा है तो किसका फंक्शन आएगा, प्लेटलेट का फंक्शन आएगा, है ना, ये ब्लड क्लोटिंग में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बस इतना है, प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में काम आती है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, जैसे कि अब कितना डेंगू चल रहा है, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, वो रुकेगी नहीं। प्लेटलेट की अगर कमी हो गई तो जिसको ब्लीडिंग हो रही है, जिस भी पेशेंट को, मरीज को, वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए प्लेटलेट का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड क्लोटिंग वाला टॉपिक। ठीक है, देखो इसको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। देखो हमने ब्लड का फ्लो रोक दिया। कैसे रोका, हमने क्लोट बना के ब्लड का फ्लो रोक दिया, इसी को हम बोल रहे हैं ब्लड क्लोटिंग। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो मैं मान लो अपना खुद का डायग्राम यहां बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये मेरे दो हाथ हैं, ये मेरे दो पैर हैं और ये मैं हूं, है ना। अब मैं जा रहा था बाइक से, कहीं जा रहा था और मैं बाइक से नीचे गिर गया। अब बाइक से नीचे गिरूंगा तो सीधी सी बात है, मेरे को यहां पे हाथ पे मान लो लग गई चोट, अब यहां पे चोट लगेगी, इंजरी होगी, तो जाहिर सी बात है यहां से मेरे को क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब ये ब्लीडिंग अगर थोड़ी देर तक ना रुके तो क्या हो जाएगा, मेरा ब्लड लॉस हो जाएगा, है ना, फिर तो पता ही आपको क्या होगा, है ना। तो इस ब्लीडिंग को नेचुरली, है ना, नेचुरल
नेचुरली रोकना जरूरी है ना। तो अपनी बॉडी के पास, मेरी बॉडी के पास, आपकी बॉडी के पास, सबकी बॉडी के पास क्या है, एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, बेसिकली होगा क्या कि जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे चोट लगी है, वहां पे क्या बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा, एक दरवाजा बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा, ये यहां पे क्या बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा। अब इस क्लोट की वजह से क्या है, अपना जहां चोट लगी थी वो रास्ता बंद हो गया, मतलब अपनी ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या है, ब्लड का फ्लो रोक दिया। कैसे रोका, क्लोट की फॉर्मेशन करके। ठीक है, तो प्रोसेस को बोल रहे हैं हम क्या, ब्लड क्लोटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो मैं फ्लो बताऊंगा ना, अब इसमें जो मैं आपको फ्लो बताऊंगा उस फ्लो को पकड़ना, गारंटी दे रहा हूं मजा आ जाएगा, और एनसीईआरटी भी आपका एक एक वर्ड पूरा समझ आएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लोटिंग का जो फ्लो चार्ट है, जो प्रोसेस है उसको। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बाइक से गिरा था और मेरे को चोट लगी थी। ठीक है, मैं बाइक से गिरा था और मेरे को चोट लगी थी, यानी मेरे को क्या हुई थी, मेरे को इंजरी हुई थी। ठीक है, अब इंजरी के रिजल्ट से क्या होगा, याद करो हमने ब्लड सेल्स पढ़ी थी। ब्लड सेल्स कौन सी थी, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी एंड प्लेटलेट्स थी। और प्लेटलेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेटलेट्स अपनी ब्लड क्लोटिंग में काम आती है, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो इंजरी की वजह से क्या होगा, मेरी जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, मेरी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, इंजरी हुई फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन, ये जो मैंने ऐसे 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 करके एरो बनाया है, ये क्या दर्शा रहा है कि यहां पर बहुत सारी रिएक्शन हुई है, मल्टीपल रिएक्शन हुई है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक तरीके से पूरी क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक तरीके से पूरी क्या है, पूरा एरो क्या दिखा रहा है, एक प्रोसेस को दर्शा रहा है। और ये प्रोसेस कैसे हुई है, मल्टीपल स्टेप में पूरी हुई है, ये प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में पूरी हुई है। तो ऐसी प्रोसेस, मैं एक डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं कि ऐसी प्रोसेस जो मल्टीपल स्टेप में पूरी हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। आप गूगल पे लिखोगे कैस्केड प्रोसेस तो उसका आंसर क्या आएगा कि जो प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो उसका नाम होता है कैस्केड प्रोसेस। तो यहां पे कैस्केड प्रोसेस हुई, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस इस एरो में आ गई अपने। ठीक है, अब कैस्केड प्रोसेस में तीन चीजें आपको याद रखनी है जो इसके अंदर हुई है ना, क्या क्या हुई है, यहां पे अपने क्लोटिंग फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, क्लोटिंग फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। दूसरी किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, यहां पे कैल्शियम आयंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तीसरी किसकी, यहां पे विटामिन के की इन्वॉल्वमेंट हुई है। ठीक है, मैं फिर से याद करा रहा हूं आपको कि कैस्केड प्रोसेस में क्या क्या हुआ, क्लोटिंग फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई और किसकी, कैल्शियम आयंस की, और किसकी, विटामिन के की यहां पे इन्वॉल्वमेंट हुई है। इतनी बातें क्लियर है। अब कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से यहां अपने पास एक एंजाइम बन जाएगा, यहां अपने पास एक एंजाइम बन जाएगा जिसका क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज। यहां अपने पास क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज बन चुका है कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। देखो नाम से ही आ रहा है, थ्रोम्बो मतलब ये प्रोथ्रोम्बिन को, प्रो मतलब ये अभी बच्चा है, ये इसको मैच्योर कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में इसको मैच्योर कर देगा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में। ठीक है, अब ये फिब्रिन क्या होते हैं, ये एक तरीके से धागे से होते हैं। देखो यहां पे मान लो मेरे को चोट लगी थी, तो फिब्रिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे थ्रेड सी बन जाएगी। ठीक है, अब इन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, अपनी जो ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आरबीसी है, डेड आरबीसी है, डेड सेल्स हैं, डैमेज सेल है, वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे।
जाएंगी, अपनी जो ब्लड सेल है फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, इसमें ट्रैप हो जाएंगी। तो ट्रैप हो जाएंगी तो ये पूरा दरवाजा क्या है, पूरा दरवाजा एक तरीके से बंद हो जाएगा। अब यहां से ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता, यहां पे अपने एक तरीके से बंधा लग गया ना, यहां पे बंधा लग चुका है, अब यहां से कोई क्रॉस नहीं कर सकता, अपनी ब्लीडिंग यहां रुक चुकी है। और इसी को हम क्या बोल देंगे, क्लोट बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे क्या, क्लोट बोल देंगे। ठीक है, अब पूरा फ्लो पकड़ना है, पूरा फ्लो पकड़ना है कि इंजरी हुई, इंजरी से फिर अपनी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई, अब प्लेटलेट्स के बाद क्या हुई, अपनी कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो। और कैस्केड प्रोसेस में किस किस का लेना देना था, क्लोटिंग फैक्टर्स का लेना देना था, कैल्शियम आयंस का लेना देना था और विटामिन के का लेना देना था। अब इसके रिजल्ट से अपने पास थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन चुका है। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को किसमें, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब फिब्रिन क्या थे, अपने पास धागे 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 थे, अब इन धागो धागो यानी इन थ्रेड्स के अंदर जो अपनी ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगी और एक तरीके से यहां बांध बना दिया गया है ना, बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया, अब यहां से ब्लड क्रॉस नहीं कर चुका है ना। इसी को हम बोल रहे हैं, इस बांध को है ना, इसी दरवाजे को बोल रहे हैं हम क्लोट बोल रहे हैं। अब यहां से ब्लड क्रॉस नहीं कर चुका, अब क्या हो गई, ये यहां ब्लड क्लोटिंग अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो यहां कुछ बातें जरूरी है कि कैल्शियम आयन और भी जगह पर यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां भी कैल्शियम यूज होता है, तो इतना याद रखना है, बस आपके काम की बात मैं बता रहा हूं कि इतना याद रखना है कि नीट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम का रोल इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है। और विटामिन के भी आपको याद रखना है कि ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ मजेदार बातें यहां पे और ऐड करना चाहता हूं। देखो आप याद करो, जब हम प्लाज्मा वो पढ़ रहे थे ना, ब्लड वाला चार्ट की, ब्लड में प्लाज्मा होती है, ब्लड सेल्स होती है, वो हम जब पढ़ रहे थे तो आप याद करो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स बताए थे, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी मोस्ट कॉमन तीन प्रोटीन्स की बात की थी, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन। अब फिब्रिनोजन के बारे में हमने देखा था कि वो ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, तो ये वो ही फिब्रिनोजन है। ठीक है, और हमने प्लाज्मा में क्या बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। याद करो मेरी बात, हमने बात की थी प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमने एक और बात की थी कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सीरम बोल देते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, अब यहां पे देखो ये रहे अपने वो क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां पे आपको मोटा मोटा अगर बातें बताऊं तो जो ये प्लेटलेट्स है ना, देखो प्लेटलेट्स तो क्या होती है, प्लेटलेट्स तो क्या होती है, ब्लड सेल्स में आई थी, अपनी ब्लड सेल्स में तीन चीजें आई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड सेल्स है, बाकी की जो भी चीजें है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर, ये सब कहां पे पड़ा है, अपना प्लाज्मा में ही पड़ा है। ठीक है, मैंने आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि यहां पे अगर प्लेटलेट्स को छोड़ दें तो बाकी की जितने भी चीजें हैं सारी किसके अंदर पड़ी हैं, प्लाज्मा के अंदर ही पड़ी हैं, और प्लेटलेट्स तो अपने आप में खुद एक ब्लड सेल है, है ना, इतनी मोटी मोटी बात है। ठीक है, और कैल्शियम ध्यान रखेंगे, विटामिन के ध्यान रखेंगे, है ना, और कैस्केड प्रोसेस भी क्या है, मल्टीपल स्टेप में जो प्रोसेस हुई है, बिल्कुल इतनी बात है। ठीक है, और ये अपना फ्लो याद रखना, थ्रोम्बो मतलब ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बो, थ्रोम्बिन, ये अपना रिलेशन याद हो गया, है ना। फिर फिब्रिनोजन से क्या, फिब्रिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन, और फिब्रिन आगे जाके क्या है, क्लोट बना देगा, इसमें ट्रैप हुई है। तो इतनी है अपनी ब्लड क्लोटिंग, एक एक बात अपने को समझ इजीली क्लियरली आ चुकी है। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुपिंग। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग अपने पास कितने टाइप की आएगी, दो टाइप की, एबीओ टाइप और कौन सी, आरएच टाइप, एबीओ टाइप, आरएच टाइप। तो इन पे बारी बारी से बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं एबीओ टाइप पे, एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग पे हम बात करने अब जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एबीओ
ब्लड ग्रुपिंग, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप्स लिख देता हूँ। अब ब्लड ग्रुप्स अपने पास कौन से हैं, अब मैं पता है क्या तुझे कौन से होते हैं, ए ब्लड ग्रुप और कौन सा, बी ब्लड ग्रुप और कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप और कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप। ये चार टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमने किसी भी ब्लड ग्रुप को कैसे बोल दिया वो ए है, या कैसे बोल दिया वो बी है, या कैसे बोल दिया वो ए बी है, या कैसे बोल दिया वो ओ है। तो मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या होता है, एंटीजन होते हैं, एंटीजन एंटीजन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। एंटीजन कहां प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें एंटीजन याद रह जाएगा, बट ये नहीं याद रहेगा कि वो एंटीजन कहां था, आरबीसी पे। ठीक है, अब देखो जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है उसमें कैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसमें जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, है ना। एंटीजन के बेस पे ही हमने उसका नाम रखा है ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, और दोनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, या जीरो लिख लो, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये ओ है मतलब जीरो ही मान के चलो, है ना, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जीरो है, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा अपना ओ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखो सिंपल सी बात है, जैसा एंटीजन उससे ऑपोजिट प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी। ठीक है, जिस ब्लड ग्रुप में जैसा एंटीजन है ठीक उससे ऑपोजिट प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा मेरा ब्लड ग्रुप है ए, है ना, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे अंदर आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, ए, और एंटीबॉडी होगी उसके ऑपोजिट बी। एंटीबॉडी होगी उसके ऑपोजिट बी क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, देखो अगर अगर मेरे अंदर ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी हो तो सिंपल सी बात है वो ए, है ना, एंटीबॉडी भी ए और एंटीजन भी ए, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से घमासान युद्ध करके मर जाएंगे, है ना, मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल, इसीलिए इसे ऑपोजिट होता है। और बी में क्या हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट ए हो जाएगी। अब देखो इसके पास ए भी है बी भी है, मतलब ए भी प्रेजेंट नहीं हो सकती और बी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो इधर आ जाएगा अपना जीरो। अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब इसके पास ए एंटीबॉडी भी हो सकती है, बी एंटीबॉडी भी हो सकती है, ना, कोई लड़ने के लिए है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब हम करने वाले हैं आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। देखो कोई इंडिविजुअल मान लो है आरएच पॉजिटिव और कोई इंडिविजुअल है आरएच नेगेटिव। ठीक है, एक इंडिविजुअल है आरएच पॉजिटिव, एक है आरएच नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब समझते हैं। देखो आरएच पॉजिटिव मतलब किसी इंडिविजुअल में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव मतलब किसी इंडिविजुअल में आरएच एंटीजन अब्सेंट है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये नाम कहां से आया आरएच, है ना, इसका नाम हमने आरएच क्यों रखा। तो जो आरएच एंटीजन था ये कहां पे पाया गया था, ये रीसस मंकी में पाया गया था, तो यहां से आया आरएच नाम। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, वो आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, अब यहाँ पे सारी क्वेश्चन हम सारी डाउट अपने क्लियर कर देते हैं कि यह फिटेलिस क्या है, ये इरिथ्रोब्लास्ट क्या है, ये इरिथ्रोसाइट यहाँ पे नाम क्यों आया, ना इसके नाम में इरिथ्रो क्यों आया, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल एक मदर है जो है आर एच नेगेटिव। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मदर है। ठीक है, ये है आर एच नेगेटिव। अब इसका जो पहला बच्चा है वो है आर एच पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड है और कैसा है, आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो आर एच नेगेटिव मतलब इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, और इसके पास पॉजिटिव मतलब इसके पास आर एच एंटीजन है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव का ब्लड मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आर एच नेगेटिव के पास ये एंटीजन नहीं था, तो इसका ब्लड क्या करेगा, इसको इसको एक तरीके से अनजान व्यक्ति के
नजरिए से देखेगा ना, इस RH एंटीजन को एक तरीके से अनजान व्यक्ति के नजरिए से देखेगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा और गड़बड़ हो जाएगी, फिर घमासान युद्ध होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे पहला बच्चा अपना जो होता है बिल्कुल सेफ पैदा होता है, बिल्कुल सेफ निकल जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, मतलब एंटीबॉडी यहां पे नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मदर और फीटस होता है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसीलिए क्या हुआ एंटीबॉडी नहीं बन पाई, ये अपना सेफ है। बट क्या हुआ डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, इसका बच्चे का और माँ का ब्लड जो है वो क्या कॉन्टैक्ट में आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया। तो मतलब क्या है, RH पॉजिटिव थोड़ा सा ब्लड इसके अंदर जा चुका है। तो इसके अंदर जब RH पॉजिटिव थोड़ा सा मिक्स होगा तो इसने क्या किया, RH पॉजिटिव, RH एंटीजन के खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। बट फिर भी ये पहला बच्चा अपना सेफ निकल गया, सेफ निकल गया। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जब इस मदर का दूसरा है ना, जब फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी में कोई दूसरा बच्चा पैदा होगा और वो भी RH पॉजिटिव हुआ, तो देखो यहाँ पे अब इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है जो क्या होंगी, इसको नुकसान पहुंचा देंगी। एंटीबॉडी बनी हुई है, क्या होगा इसमें नुकसान हो जाएगा। अब ये एंटीबॉडी कहाँ चली जाएंगी, इसमें चली जाएंगी है ना, और इसको नुकसान कैसे पहुंचाएंगी, इसकी RBC को ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी है ना। किसके, RH एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है और RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी जिसने क्या किया, इसमें RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब RBC की डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगी, खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो RBC का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस मतलब फीटस की, फीटस की एरिथ्रोसाइट क्या है डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, अब इस चीज का इलाज क्या है, इसको ठीक कैसे करें, मतलब ये दूसरे बच्चे को हम बचाए कैसे है ना, मतलब पहले से प्रिकॉशन कैसे ले, तो हम एक चीज इसको प्रोवाइड कर देंगे। क्या प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, इस एंटीबॉडी को अगर हम काउंटर अटैक करने के लिए कुछ इसको प्रोवाइड कर दें तो क्या है, ये कंडीशन हम बचा सकते हैं। तो उस इसको काउंटर अटैक करने के लिए जो दवाई प्रोवाइड करेंगे उसका क्या नाम है, NTRH एंटीबॉडी है ना, NTRH एंटीबॉडी NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप्स को लेके ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान है। ठीक है, देखो यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है, डोनर मतलब जो ब्लड देगा, डोनेट करेगा, यूनिवर्सल मतलब कि ऐसा डोनर जो किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कौन सा होता है, अपना ओ नेगेटिव होता है, मतलब जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो क्या है, वो पूरी दुनिया में किसी को भी ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और एक्सेप्टर की बात करें मतलब जो ब्लड एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्सल मतलब वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो AB पॉजिटिव अपना होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब जैसे मेरा एक्चुअल में ही ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव है, तो मेरे को मान लो चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेरे को किसी का भी ब्लड अगर चढ़ा दो तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये बातें तो क्लियर है ना। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो ये जो A है वो क्या दिखा रहा है, अपना एंटीजन दिखा रहा है कि उसकी RBC पे क्या है, A एंटीजन प्रेजेंट है, और ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि उसके अंदर RH प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ठीक है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है B नेगेटिव, तो ये क्या है, उसकी RBC पे B एंटीजन प्रेजेंट है, और ये क्या नेगेटिव क्या है, उसके RH को दिखा रहा है कि RH उसमें प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। नेगेटिव है तो RH उसमें अब्सेंट है, पॉजिटिव है तो RH उसमें प्रेजेंट है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम टिश्यू फ्लूड या इंटरस्टीशियल फ्लूड। ये कलरलेस होता है और इसमें लिम्फोसाइट होती है, मेनली इसमें लिम्फोसाइट होती है, और लिम्फ के फैट की अब्सॉर्प्शन में भी काम आता है, ये डाइजेशन वाले चैप्टर में भी हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। ठीक है, देखो सर्कुलेटरी पाथवेज जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से होंगे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, और दूसरा क्या है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, अब देखो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल NCERT में जो लिखा हुआ है वो एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ प्रेजेंट होगा। एक तो होगा किसमें, एक तो होगा अर्थ्रोपोडा में, और दूसरा किसमें है, ये
दूसरा मोलस्का में, मोलस्का में, ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। और क्लोज्ड अपना किस में है, क्लोज्ड अपना किस में है, एक तो है एनालिडा, एनालिडा और किसमें, जो अपने कोर्डेट्स में, सारे कोर्डेट्स में, और कोर्डेट्स में क्या क्या आ जाएगा, अपनी फिश आ जाएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, सारे मैमल्स आ जाएंगे ना, ह्यूमंस भी किसमें आएंगे, कोर्डेट्स में आएंगे, तो सारे इसमें आएंगे क्लोज्ड में, ठीक है। अब देखो बेसिक इनमें होता क्या है, देखो किसी भी एनिमल चाहे वो अर्थ्रोपोड है, मोलस्का है, एनालिडा है, कोर्डेट में, बेसिक करना क्या है अपने को, बेसिक देखो ये हार्ट होता है ना, एनिमल्स में क्या हार्ट प्रेजेंट है, इन एनिमल्स में भी क्या हार्ट प्रेजेंट है। अब हार्ट का काम क्या है, उसे क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, बॉडी के ऑर्गन्स तक, है ना, बॉडी में हर जगह पहुंचाना है, बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, और इधर भी क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स तक क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, ठीक है। अब देखो ये ओपन वाले सिस्टम में क्या होगा, ओपन वाले सिस्टम में ये ब्लड, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें हमने, अभी सर्कुलेशन अपना पूरा आगे समझ लेंगे कैसे कैसे होता है, पर यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं ओपन क्या होता है, क्लोज्ड क्या, ठीक है। हार्ट अपने ब्लड को पंप किया किसमें, एक लार्ज ब्लड वेसल में, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, लार्ज ब्लड वेसल में हार्ट ने पंप किया। अब लार्ज ब्लड वेसल कहां ओपन होती है, एक स्पेस में, बॉडी में बहुत स्पेस प्रेजेंट होते हैं एक स्पेस में, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, हम साइनस बोलते हैं, और एक तरीके से जो ऑर्गन्स होते हैं इसी साइनस में, इसी स्पेस में एक तरीके से स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं ना, ऑर्गन्स के पास क्या पहुंच जाएगी, अब क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई ना, ऑक्सीजन ब्लड में तो आ रही थी, ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। अब यहां पे कोई भी ऐसा खास नेटवर्क हमें नजर नहीं आ रहा, डायरेक्ट इसमें आई और ये स्पेस में खुल गई, ऐसा है ना, कोई अच्छा नेटवर्क नहीं है। बट क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम में देखो पहले ये बड़ी ब्लड वेसल गई ना, ब्लड हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पहले बड़ी ब्लड वेसल थी, अब बड़ी ब्लड वेसल क्या है, छोटी छोटी वेसल्स में सप्लाई करे, ये छोटी छोटी में, और ये फिर और डिवाइड होती जाएंगी, और डिवाइड होती जाएंगी, है ना, ये फर्दर और डिवाइड होंगी, फर्दर और डिवाइड होंगी, मतलब डिवीजन डिवीजन देखो पूरा पाइपलाइन के थ्रू सिस्टम आ रहा है ना, पहले ब्लड बड़ी ब्लड वेसल थी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर सबसे छोटी क्या आ जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी, वो कैपिलरीज क्या फिर पूरे ऑर्गन में पूरी ब्लड सप्लाई करेंगे, ना एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है। एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज किया गया है क्लोज में, वो क्या किया गया है कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, है ना, नेटवर्क है पूरा वेसल्स का, और इसमें क्या है, डायरेक्ट एक बड़ी सी आई और स्पेस में खुल गई, ये है ओपन और क्लोज, सिंपल सी बात है। अब देखो जो हार्ट होता है ना, हार्ट वो तीन टाइप का हो सकता है, हार्ट तीन टाइप का हो सकता है, या तो टू चैम्बर्ड होगा, या थ्री चैम्बर्ड होगा, या क्या होगा, फोर चैम्बर्ड होगा, फोर चैम्बर्ड, ठीक है। देखो टू चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, एक एट्रिया प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रिकल, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। थ्री चैम्बर्ड में क्या होगा, दो एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, और फोर चैम्बर्ड में क्या होगा, टू एट्रिया प्लस टू वेंट्रिकल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो हम कॉर्डेट्स की बात करें, अगर कॉर्डेट्स की बात करें, कॉर्डेट्स में क्या क्या आएंगे, फिश आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब आएंगे, ठीक है। तो किसमें कैसा हार्ट होता है वो हम देखने जा रहे हैं, किसमें कैसा हार्ट। देखो फिशेज में क्या होता है, फिशेज में मछलियों में कैसा होगा, ये फिशेज में कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और थ्री चैम्बर्ड किसमें होगा, थ्री चैम्बर्ड होगा एम्फीबिया में और किसमें, रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल, ठीक है। और फोर चैम्बर्ड किसमें होगा, फोर चैम्बर्ड होगा बर्ड्स में और किसमें, मैमल्स में और किसमें, क्रोकोडाइल पे यहाँ पे स्टार लगा लेना, क्यों लगा लेना, क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है वो एक रेप्टाइल होता है, बट उसमें हार्ट कैसा होता है, फोर चैम्बर, तो एक तरीके से ये एक्सेप्शन है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है ना, सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होती है, और डबल सर्कुलेशन क्या होती है, हम उसको देख लेते हैं। अब देखो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं कि टू चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा। देखो ये मैंने दो चैम्बर ड्रॉ कर लिया है ना, टू चैम्बर्ड में हमने क्या किया था कि एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फिश में, मछलियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां मैं अपना क्या बना लेता हूं, टिश्यू बना लेता हूं, ये है अपना टिश्यू, है ना, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूज होना है, ठीक है। और यहां मैंने क्या
क्या बना लिए, गिल्स बना लिए। देखो ध्यान दो कि फिश में प्रेजेंट होता है तो फिश में लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, फिश में क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा अपने को फ्लो समझ आ रहा है कि गिल्स में क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, गिल्स या लंग्स में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां जाएगा, टिश्यू को, और टिश्यू यहां उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी। मतलब टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा, फिर ये एट्रिया से कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वेंट्रिकल से ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से ऑक्सीजन लेने कहां गया, गिल्स में गया, और गिल्स में फिर इसको ऑक्सीजन मिली तो फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। कुछ तरीके से देखो, देखने से ही पता लग रहा है क्या चल रही है, ये क्या चल रही है, सिंगल सर्कुलेशन चल रही है। तो ये किस टाइप की सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन टू चैम्बर्ड हार्ट में। ठीक है, अब देखो, अब मैं इधर अगर बात करूं थ्री चैम्बर्ड हार्ट की, तो थ्री चैम्बर्ड किस में होता है, रेप्टाइल्स में और एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबिया में। तो हमने थ्री चैम्बर्ड में क्या किया था, थ्री चैम्बर्ड में हमने क्या था कि क्या होंगे, दो एट्रिया प्रेजेंट होंगे और क्या हमारे पास वेंट्रिकल प्रेजेंट हो गए, वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। देखो यहां पे मैं अपना टिश्यू ड्रॉ कर लेता हूं, ये अपना मैंने क्या किया, टिश्यू ड्रॉ कर लिया, और यहां पे मैंने क्या है, अपने लंग्स ड्रॉ कर लिए, लंग्स, है ना। और यहां पे अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, वैसे एम्फीबिया में स्किन के थ्रू भी आ सकता है, है ना, स्किन के थ्रू भी जो ऑक्सीजन आ सकती है, और भी लंग्स के थ्रू भी आ सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी आ सकते हैं, पर मैंने यहां लंग्स लिख दिया। हमें बस इतना समझना है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है ना, ऑक्सीजन का सोर्स यहां पे, सिंपल सी इतनी बातें। ठीक है, अब देखो, अब एक बेसिक फ्लो पकड़ो, बिल्कुल बेसिक फ्लो पकड़ो। ठीक है, देखो टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और टिश्यू यहां ऑक्सीजन यूज कर लेगा, और टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड लिख लेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से निकला। अब इसको क्या करना है, हमें ऑक्सीजनेट करना है और फिर से यहाँ पे पहुँचाना है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पहुँच जाएगा, राइट एट्रिया में। देखो ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, है ना, ये राइट एट्रियम में पहुँच गया, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसमें वेंट्रिकल में, है ना, यहाँ से तो यहीं जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, एट्रिया से चीज़ें कहाँ जाएंगी, हमेशा वेंट्रिकल में जाएगी। अब ये इसमें चला जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, ये फिर से इसके पास। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये ऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया, है ना, यहां ऑक्सीजनेटेड ये कैसे हो गया, है ना। तो सिंपल सा देखते हैं। देखो लंग्स क्या करेगा, लंग्स हमेशा क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, लंग्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, ये ऑक्सीजनेट, ये यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, और लंग्स से फिर इस एट्रिया से कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, है ना, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग, थ्री चैम्बर में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, पर यहाँ मज़े की बात क्या है, यहाँ सबसे ध्यान रखने लायक मज़े की बात क्या है कि वेंट्रिकल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजनेटेड, देखो लंग्स से ऑक्सीजनेट हो गया और ये डी ऑक्सीजनेट होकर टिश्यू से गया था, तो इसके वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है ना, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं है, है ना, वेंट्रिकल में पार्टीशन ही नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है। ठीक है, बिल्कुल इतनी सिंपल सी बात है, और इसको हम क्या बोल देते, देखो यहां पे थी सिंगल सर्कुलेशन और इसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल इतनी बातें समझ आ रही है। अब देखो मैं हार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ और एक एक चीज जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको वैसे वैसे समझेंगे पूरा एक एक चीज। ठीक है, देखो जैसा हम अपने स्कूल में अपनी क्रश को देख के जैसा दिल ड्रॉ करते थे वैसा ही मैं यहाँ दिल आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये है अपना सिंपल सा जो फिल्मी दिल होता है वो वाला फिल्मी दिल और इसी से हम सारा बनाएंगे। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, हमें पता है अपना हार्ट कितना है, फोर चैम्बर है ना, फोर चैम्बर, तो सिंपली क्या करो इसको चार चैम्बर में डिवाइड कर दो, चार चैम्बर। ठीक है, ऊपर वाले दो चैम्बर और नीचे वाले दो चैम्बर, तो ऊपर वाले दो चैम्बर होंगे उनको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया एट्रिया। नीचे वाले दो चैम्बर को हमने बोल दिया वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले दो एट्रिया, नीचे वाले दो वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो ये है अपनी राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, वो कैसे, सिंपल सी बात है, कोई इंसान मान लो ऐसे इस कॉपी पे लेटा है हमारी तरफ मुंह करके, है ना, हमारी तरफ फेस करके इस कॉपी पे लेटा है, तो उसकी ये क्या हो जाएगी, राइट साइड, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे मैं क्या बात करने जा रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है, देखो ये चीज, देखो ये क्या चीज है, ये दो एट्रिया के बीच प्रेजेंट है, ये दो एट्रिया के बीच क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, तो दो एट्रिया के बीच प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना, इंटर मतलब बीच में, एट्रिया
एरिया के बीच में, और ये क्या है सेप्ट, और ये कैसा होता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा होता है थिन होता है थिन, ठीक है। और ये सेप्टम कैसा है, ये सेप्टम देखो, अब ये सेप्टम देखो कैसा है, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं थिक कर देते हैं, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं थिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये दो वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब एक और सेप्टम देखो आप, ये कैसा सेप्टम है, ये कैसा सेप्टम है, और ये कैसा सेप्टम है, ये क्या है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच है ना, ये भी क्या एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, तो इसको हम क्या बोल देंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी कैसा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ना, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच। इतनी बातें हमें बेसिक से क्लियर हो गई, ठीक है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखने से ही पता लग रहा है कि एट्रिया के जो साइज है वो छोटे हैं और वेंट्रिकल साइज में कैसे हैं बड़े हैं। एक और चीज मैं आपको कवर कर दूं, देखो जो ये एट्रिया की वॉल है ना, ये भी इनमें क्या होती है मसल होती है और वेंट्रिकल की वॉल में भी मसल होती है, बट यहां पे एक डिफरेंस क्या है कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं उनमें ज्यादा मसल है, मतलब ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं अपने वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं ना, वेंट्रिकल साइज में भी बड़े हैं और मस्कुलर भी ज्यादा है। इतनी बातें अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करने जा रहे हैं, देखो एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट होती है, एक वेल्व प्रेजेंट होती है, वेल्व प्रेजेंट होती है। अब देखो जो वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच है उसमें तीन फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, तीन फ्लैप है ना, एक तरीके से मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, हमें अलग से दिख जाएंगे, इसमें ये तीन फ्लैप प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है उसमें सिर्फ दो फ्लैप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो फ्लैप है। अब इसमें तीन फ्लैप है, इसमें तीन फ्लैप है, तो इसको हम क्या बोल देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम बोल देंगे क्या ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसमें दो फ्लैप हैं, इसको हम बोल देंगे बाइकस्पिड, इसको हम बोल देंगे बाइकस्पिड, या इसका दूसरा नाम होता है मित्रल, मित्रल 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 जो भी बोलो मित्रल वॉल्व, ठीक है। अब इस वॉल्व का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ब्लड फिल होगा और ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ पे भी ब्लड फिल होगा, ब्लड फिल होकर यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। अब एक बेसिक सा रूल बना लो कि एट्रिया से हमेशा ब्लड कहाँ जाता है वेंट्रिकल में, एट्रिया से हमेशा ब्लड कहाँ जाता है वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो कराना है, मतलब यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो कराना है ना, और ब्लड यहाँ से यहाँ वापस ना जा पाए, इसी के लिए कौन होती है हमारे पास वेल्व प्रेजेंट होती है। ये वेल्व क्या करेंगी, ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जाने देंगी है ना, ये एट्रिया से इधर की तरफ आने देंगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां वेंट्रिकल्स में क्या होता है ना, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल, ठीक है। ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल, ठीक है। अब देखो पैपिलरी मसल से लेके यहां ये कस्प जो अपने ये किया ना, अपने ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैप्स है, इनसे क्या होते हैं, इनसे भी ऐसे मसल्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे मसल्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे मसल इधर भी क्या होंगी, ऐसे मसल्स कनेक्टेड होती है, मसल्स कनेक्टेड। अब इन मसल्स का काम क्या होगा, जब ये मान लो ये अपने पास ये डंडी डंडी लगी है ना, इनको खुलना है, मान लो इस वेल्व को खुलना है, तो ये मसल्स क्या करेंगी, इसको खुलने में हेल्प करेंगी, एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और इसको ऐसे खींच लेंगी और ये वेल्व अपनी खुल जाएंगी, और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी, इन मसल को हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, बिल्कुल। इतनी बातें अपनी क्लियर चल रही, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ किस पे, नोडल टिश्यू पे, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किस पे, नोडल टिश्यू पे, नोडल टिश्यू पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ नोट्स वोट्स पे इतना ध्यान मत दिया करो, चीज़ों को साथ में याद करते हुए चलो, जो नोट्स 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 करते रहते हैं उनका कुछ नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को साथ में याद करो डायरेक्ट, और खुद से नोट्स साथ में बनाओ तो अच्छी बात है, एक एक वर्ड मैं एनसीईआरटी का ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नोडल टिश्यू में अपना क्या होता है, नोडल टिश्यू में पहली चीज़ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अपना प्रेजेंट होगा क्या एस ए नोड, ये अपना प्रेजेंट होगा क्या एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड की आप पोजीशन देख लो कहाँ पे, राइट एट्रियम में और कहाँ पे राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम में भी राइट साइड में है और राइट साइड में भी कहाँ पे राइट अपर कॉर्नर पे, ठीक है। ये है अपना एस ए नोड, और यहाँ पे अपना क्या होगा ए वी नोड। अब ए वी नोड की पोजीशन क्या है, राइट एट्रियम में है, और कौन सी राइट एट्रियम का भी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, ये अपनी पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा एस ए नोड से यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, सिंपली क्या है, एक तरीके से ये क्या करेंगी, एक तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी, और ये सिस्टम क्या होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब ये खुद ही करंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हमें हार्ट में बाहर से बिजली का तार लगाना पड़ता है ना, खुद ही धड़कता रहता है, खुद ही अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल या करंट जनरेट करता है ना, तो ये ऑटो एक्साइटेबल है ना, ये क्या करेगा करंट जनरेट करेगा, करंट को एक तरीके से बनाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एस ए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, इससे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। यहाँ से करंट अपना कहाँ जाएगा, ये जाएगा एवी नोड पे, ये अपना क्या है एवी नोड है, ये अपना है एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड आगे फिर बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम एवी बंडल,
इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल। अब ये बंडल है ना दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, एक तो इस साइड हो जाएगा और एक इस साइड। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कौन सी साइड, राइट एवी बंडल, और ये हो जाएगा लेफ्ट एवी बंडल। ये राइट एवी बंडल, ये लेफ्ट एवी बंडल। अब ये एवी बंडल आगे बढ़ेगा और ये फिर से छोटी 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 ऐसे एक तरीके से ब्रांचेस सी बना लेगा, ब्रांचेस सी बना लेगा, ब्रांचेस सी बना लेगा, और इनको क्या बोलते हैं हम, परकिंजे फाइबर, ठीक है। ये छोटी छोटी भी ऐसे ब्रांचेस सी बन गई, इनको क्या बोल देंगे हम, परकिंजे फाइबर बोल देंगे, है ना, क्या, परकिंजे फाइबर। अब इसका काम क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पूरे हार्ट में करंट जनरेट कराना है, पंप कराना है ब्लड। तो करंट ऐसे जनरेट हुआ और ऐसे 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 पूरे हार्ट में फैल गया, इधर से भी ऐसे ऐसे पूरे हार्ट में फैल गया। तो पूरा हार्ट क्या करेगा अपना, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तरीके से बोलते हैं ना बिजली का करंट सा आएगा और ये ब्लड को पंप करेगा। बिल्कुल इतनी बातें हमें समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल बना दे। अब ये एक्शन पोटेंशियल है ना, ये एसए नोड का कितना होता है, देखो एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड पर मिनट कितना जनरेट करता है, 72-75 पर मिनट, है ना, 70-75 पर मिनट। सिंपल सी बात है, अपनी हार्ट बीट, अब देखो हार्ट बीट सबको पता है कितनी होती है, 72 होती है। तो 72 यही वाली तो है, कितनी बार दिल धड़का, कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, है ना। अब ये एक्शन पोटेंशियल एसए नोड का है इतना, है ना, एवरेज लगाएं तो बेहतर है, 72 एसए नोड का है। हो सकता है एवी नोड तक आते आते थोड़ा कम हो जाए, फिर आगे आते आते और थोड़ा कम हो जाए, है ना। ये थोड़ी चीजें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है ना, ये है अपनी पूरी स्ट्रक्चर जो अपने को बेसिक तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि फोर चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये है फोर चैम्बर्ड हार्ट, जैसा हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, और किसमें है, बर्ड्स में है, मैमल्स में है, सारे मैमल्स में, और किसमें है, क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो अपने क्या होगा, देखो दो एट्रिया होंगे, अपने दो एट्रिया होंगे और दो क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सिंपल सी बात है, कोई इंसान हमारी तरफ मुंह करके ऐसे लेटा है इस कॉपी पे, तो उसकी ये राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट है ना। ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हम क्या है, यहां पे अपने लंग्स बना लेते हैं, यहां अपने लंग्स हैं जहां से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और उस ऑक्सीजन का यूज कहां होगा, अपने बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स या टिश्यू या सेल कुछ भी आप बोल सकते हो, बॉडी पार्ट्स में उनका यूज होना है, ठीक है। अब हमें एक सिंपल सा फ्लो पकड़ना है, सिंपल सा फ्लो क्या पकड़ना है कि बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड आएगा वो हमें कैसा मिलना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का यूज होना है। तो यहाँ ऑक्सीजन का जब यूज हो जाएगा तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहां से फ्लो पकड़ लेते हैं कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ठीक है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, और वो कहां पे एंट्री करेगा, वो राइट एट्रियम में एंट्री करेगा, राइट एट्रियम में उसने एंट्री करी। अब राइट, देखो एट्रिया से हमेशा चीजें कहां जाएंगी, वेंट्रिकल में जाएगी, ये बेसिक रूल है। अब राइट एट्रियम से कहां जाएंगी चीजें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएंगी, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, जाएगा क्या लेने जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए देखो बिल्कुल फ्लो समझ रहे हो ना, ऐसे गया और ये लंग्स के पास अब पहुंच चुके हैं। अब लंग्स से जो ब्लड निकलेगा उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, सिंपल सी बात है। और एट्रिया से कहां चीजें जाएंगी, वेंट्रिकल की तरफ, ना लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां, अपना सीधा बॉडी के पार्ट्स में, है ना, कहां अपना सीधा बॉडी पार्ट्स में, ये अपने को समझ आ गया, ठीक है। अब आप एक छोटा छोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि हमने डायरेक्ट लंग्स से ब्लड यहां बॉडी पार्ट्स में क्यों भेज दिया अपने को, मतलब ऐसा हम कर देते तो आसानी होती, बीच में हार्ट की हेल्प हमने क्यों ली, है ना, डायरेक्ट यहां क्यों नहीं भेजा हमने। तो सिंपल सी बात है, ये अभी देखने में आपको आसान लग रहा है पर इतना आसान होता नहीं है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक मोटर चाहिए, एक मोटर सिस्टम चाहिए ना, जो ब्लड को पंप कर सके, ये अपने हार्ट का काम होता है, ठीक है। अब यहां एक छोटी छोटी बातें हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखो जो वेन्स, देखो एक बात तो सिंपल है ना, देखो जो एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी क्या होती है, हमेशा ऐसे याद रखो, आर्टरी वो होती है जो हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से बाहर की तरफ निकलेगी, जो हार्ट से
बाहर की तरफ निकलेगी अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन क्या होती है, बेसिक रूल क्या है, वेन क्या होती है, जो टुवर्ड्स हार्ट है ना, जो हार्ट की तरफ आएगी, आर्टरी ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे है ना, अवे फ्रॉम हार्ट। वेन क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपनी, ये देखो टुवर्ड्स हार्ट आ रही है, मतलब ये क्या है, एक तरह की वेन है, और इसको क्या बोलते हैं हम, विना कावा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विना कावा बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और देख लो इसकी बात करें, अगर ये देखो ये जो जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रही है, ये अवे, देखो हार्ट से दूर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब एक बात तो पक्की हो गया, ये आर्टरी है ना, और लंग्स की तरफ जा रही है, तो कैसी आर्टरी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, देखो ये जो आई, ये लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आई, ये क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स हार्ट, मतलब एक बात तो पक्की है कि ये वेन है और ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो कैसी हो जाएगी, पल्मोनरी वेन है ना। पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गई, बॉडी पार्ट्स पे गई, मतलब एक बात तो क्लियर है, ये अवे फ्रॉम हार्ट है, मतलब आर्टरी होती है, और ये बहुत बड़ी आर्टरी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एओर्टा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एओर्टा है ना। सारी बातें क्लियर हैं, विनय कावा क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, एरोटा क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। पल्मोनरी जहां वर्ड आ जाए तो मतलब लंग्स का कनेक्शन तो जरूर है, है ना, लंग्स का कनेक्शन जरूर है, आर्टरी है तो अवे फ्रॉम हार्ट, वेन है तो टुवर्ड्स हार्ट, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। और देखो इसी टाइप की सर्कुलेशन, ये हमने जो भी अभी किया, इसी टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन, इसी को हम बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो कुछ बातें याद करो, हमने जब हार्ट की स्ट्रक्चर की है ना, हमने दिल का डायग्राम जब बनाया था तो कैसे बनाया था, हमने ऐसे कुछ बनाया था, फिर हमने ऐसे कर दिया था, फिर हमने ऐसे कर दिया था, ऊपर वाले दो को हमने क्या दे दिया था, एट्रिया नाम दे दिया था, नीचे वाले दो को वेंट्रिकल नाम दे दिया था, है ना, और ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने ये बातें की थी। और हमने क्या बातें की थी, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, एओर्टा निकलेगी, एओर्टा है ना, एओर्टा निकलेगी है ना, ये कहां जाएगी, ये लंग्स की तरफ जाएगी, और ये कहां, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाएगी। इतनी सी बातें हमने की थी, इतनी बातें हमने की थी, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें, ठीक। अब देखो, अब यहां पे हमने बात की थी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ना, इसको कुछ ऐसे याद रखो, इसको कुछ ऐसे याद रखो, देखो ब्लड का फ्लो तो हमें पता है ना, ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ब्लड का फ्लो ऐसे होगा, और यहां पे भी कैसे होगा, ब्लड का फ्लो ऐसे होगा, और यहां ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा, और यहां ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा, इतनी बात है, ठीक है। अब देखो वेंट्रिकल को पकड़ो, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल को पकड़ो, तो याद ऐसे रखना है कि वेंट्रिकल की एंट्री पे क्या होती है, वेल्व प्रेजेंट होती है, वाल्व है ना, और वेंट्रिकल की एग्जिट पे भी वाल्व प्रेजेंट होती है, तो वेंट्रिकल की एंट्री कहां है, यहां पे है, वेंट्रिकल की एंट्री कहां है, यहां पे है ना, तो वेंट्रिकल की एंट्री पे जो वाल्व प्रेजेंट है, हमने किया था कौन सी वाल्व, कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व प्रेजेंट है ना, कौन सी हमने की थी ना, यहाँ पे ट्राई कस्पिड हो जाएगी, यहाँ पे बाई कस्पिड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कस्पिड वाल्व, बिल्कुल ठीक है। और वेंट्रिकल की क्या क्या याद रखो, कि वेंट्रिकल की एग्जिट पे भी यानी पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच भी क्या होंगी, वाल्व प्रेजेंट होगी, और इन वाल्व को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी ल्यूनार, इनको बोल रहे हैं हम सेमी ल्यूनार वाल्व, और ये कैसी थी, कस्पिड वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, मैंने ये सब क्यों बताया, देखो कस्पिड वाल्व जब क्लोज होती है ना, बंद होती है, तो एक आवाज़ आती है, छोटी सी आवाज़ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, और सेमी ल्यूनार वाल्व जब बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, तो क्या साउंड आती है, डब, ठीक है। तो हार्ट साउंड अपने पास दो टाइप की है, लब एंड डब है ना, लब किस वजह से, कस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से जो आवाज आई लब, और सेमी ल्यूनार वॉल्व की क्लोजर से जो आवाज आई वो हो जाएगी डब, इतनी सिंपल सी बातें हैं।
अब देखो कुछ कंफ्यूजन्स हमारे सामने आती है, ठीक है, उनसे हम अच्छे तरीके से निकल लेते हैं। देखो हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है, एक बात बिल्कुल नॉर्मल सी जो सबको पता है कि अपनी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि हमारा दिल एक मिनट में 72 टाइम्स क्या है, बीट करता है यानी धड़कता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो हमारा दिल देखो 72 टाइम्स बीट करता है कितने, एक मिनट में, एक मिनट यानी 60 सेकेंड में, ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड में। तो एक बार बीट कितने टाइम में करेगा, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स हमें थोड़ा सा आता है, कितना, इतना, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, है ना, एक से अपॉन ये हो जाएगा एक बार, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक बार कितनी देर में धड़केगा, 0.8 सेकेंड। अब इस 0.8 सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, इस 0.8 सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। देखो सिंपल सी बात है, कार्डियक साइकिल क्या होती है कि दिल के एक बार धड़कने में यानी 0.8 सेकंड में जो इवेंट्स हुए, उन्हीं इवेंट्स को हम बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज आती है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी कितनी वैल्यू होती है 70 ml, इसकी वैल्यू होती है 70 ml, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रोक मतलब हार्ट ने जब स्ट्रोक मारा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि एक वेंट्रिकल, हाँ ईच वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, हर एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, दो में से ईच वेंट्रिकल, ठीक है, एक वेंट्रिकल एक स्ट्रोक मारने पे जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करेगा वही अपनी क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक वेंट्रिकल, या बोलो ईच वेंट्रिकल एक बार स्ट्रोक मारने पे, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पे जितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करेगा वो है अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वो कितनी है, 70 ml। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हार्ट एक बार बीट करने पे, हार्ट जब एक बार बीट करेगा तो एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल कितनी ml ब्लड को बाहर फेंकेगा, 70 ml को बाहर फेंकेगा एक बार बीट करने पे, ठीक है। और एक मिनट में कितना फेंकेगा, सिंपल सी बात है, एक मिनट की बात करें तो कितनी बार बीट करता है हार्ट अपना, 72 टाइम्स बीट करता है। तो 72 टाइम्स बीट करने पे कितना हो जाएगा, देखो 70 × सिंपल सी कैलकुलेशन है 72, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 5 लीटर, ठीक है। अब मैं 5 लीटर की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, देखो 5 लीटर कितना ब्लड है, 5 लीटर उतना ब्लड है कि जितना एक मिनट में ईच वेंट्रिकल ने क्या किया, पंप किया, सिंपल सी बात है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, कार्डियक आउटपुट। बिल्कुल ये बातें अपनी क्लियर हो रही है, ये होगी कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक साइकिल, है ना, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम अपने समझ ली, हार्ट बीट हमें पता ही है ना, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से अपनी कवर हो रही है। अब देखो हमें एक बार कार्डियक साइकिल को एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखो हमने क्या किया था कि कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम कितना होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, 0.8 सेकंड, है ना, एक बार दिल धड़कता है कितने, 0.8 सेकंड में। तो एक बार दिल धड़का उसमें क्या क्या हुआ, है ना, हमने देखो हार्ट की स्ट्रक्चर की थी, देखो याद है ना अपने को, अपने क्या किया था कि ये है अपने एट्रिया, ये है अपने वेंट्रिकल। तो एक बार जब दिल धड़केगा तो अपने एट्रिया, है ना, ऐसे जाएगा, करंट कुछ ऐसे जाएगा, तो एट्रिया भी क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब जो चीजें कॉन्ट्रैक्शन करेंगी वो रिलैक्स भी करेंगे, सिंपल सी बात है, एट्रिया भी रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इनको हम इसमें शो करेंगे कि एक बार दिल धड़कने में एट्रिया में क्या होता है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ठीक है। ये टोटल कितनी साइकिल है, 0.8 सेकंड की, ठीक है। अब 0.8 सेकंड में से ये अपना कितना है, 0.1 सेकंड, और इस 0.1 सेकंड में क्या होता है, इसमें होता है एट्रियल सिस्टोल, मतलब क्या है, एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है। पूरे 0.8 सेकंड में से जो एट्रिया है वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सिंपल सी बात आ गई कि इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाकी के टाइम में एट्रिया अपने क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मतलब 0.7 सेकंड एट्रिया अपने रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने कर रहे हैं, 0.1 सेकंड।
इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये डिवीजन मान लो, अब ये जो टाइम बचा कितना बचा, देखो ये 0.4 है इधर, बिल्कुल हाफ हो गया 0.4, ये टोटल कितना है 0.4, ये 0.1 अपना इसमें कवर हो गया, और ये क्या है अपना 0.3 सेकेंड, ये अपना है 0.3 सेकेंड। अब इस 0.3 सेकेंड में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, देखो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, वेंट्रिकल जो है अपने सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बाकी का टाइम कितना बचा, ये 0.4 प्लस 0.1 कितना 0.5 सेकंड अपने वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये कितना बच गया, देखो ये जो टाइम है ये कितना बच गया, 0.4 सेकंड। अब 0.4 सेकंड में ना तो एट्रिया, ना तो अपने एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट्रिया तो यहां कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ना ही यहां पे क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दोनों क्या कर रहे हैं इस फेज में, दोनों क्या कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों डायस्टोल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जॉइंट डायस्टोल। देखो सिंपल है, सिंपल सा समझो, सिस्टोल क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल होता है एक तरह से रिलैक्सेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन अलग है, डीपोलराइजेशन को आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हो, सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या है रिलैक्सेशन, बिल्कुल ये अपने को समझ में आ गई कि किसमें क्या हुआ ना। जॉइंट डायस्टोल मतलब ना तो यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ECG, ठीक है। देखो इसमें जो भी आपका पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। NCERT में उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। देखो किसी भी अगर पेशेंट की हमें ECG ऑप्टेन करनी है, तो हमें क्या है, उसको 3 लीड्स लगानी पड़ती है, 3 लीड्स लगानी पड़ती हैं। अब ये लीड्स कहाँ कहाँ लगानी पड़ती हैं, तो NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 लीड्स हमें कहां लगानी पड़ेंगी, 2 लीड्स हमें लगानी पड़ेंगी कहां, ईच रिस्ट, है ना, एक लेफ्ट रिस्ट एक राइट रिस्ट। राइटिंग मेरी थोड़ी यार गंदी आती है, इसको संभाल लेना, है ना, और तो कुछ नहीं है, संभाल लेना बस, ठीक है। तो 2 लीड्स कहां लगेंगी, ईच रिस्ट पे लगेंगी, है ना, और 1 लीड कहां लगेगी, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, 1 लीड कहां लगेगी, लेफ्ट एंकल पे 1 लीड लगेगी, अपनी 3 लीड कंप्लीट है। तो ये तो बना इसका ECG का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता ही है, वही अपना घिसा पिटा क्या है, वही अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या है, ये अपना क्या है P, और ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S, ये क्या है T। थोड़ा सा मैंने शायद गलती से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा अब छोटा कर लेना, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो पी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिल्कुल ठीक है। और QRS ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या शो करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी क्या शो करेगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो डीपोलराइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहां पे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया, यहां पे क्या वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, और यहां पे वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि रीपोलराइजेशन या जो रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया है वो इसमें कहीं क्यों नहीं दिख रहा, तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहां कहीं एट्रिया को रिलैक्स होना चाहिए ना, यहां कहीं, तो सिंपल सी बात है यहीं पे होता है। बट होता क्या है, जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की जो वेव है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, तो इसके पीछे कहीं ये रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वेव कहीं इसके पीछे छुप जाती है, दब जाती है, सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो आपके सामने ये ग्राफ आ जाए, डॉक्टर्स आपने देखा भी होगा ना, इतनी बड़ी ऐसे लंबी लंबी सी स्लिप सी होती है, तो वो सिंपली ना इसको काउंट कर लेंगे कि ये 1 मिनट में कितनी बार हुआ है, है ना, ये 1 बीट में तो होगा, तो ये 1 मिनट में कितनी बार हुआ है ना, ये थोड़ी बड़ी है तो ईजिली काउंट हो जाएगी, तो ये 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, तो हम हार्ट बीट पेशेंट की पता लगा सकते हैं 1 मिनट में, है ना, सिंपल सी ये बातें। और भी बहुत सारी दिल की बीमारियां हैं जो ECG देखकर पता लगा सकते हैं।
देखो अगर हम किसी भी ब्लड वेसल की बात करें, अगर हम किसी भी ब्लड वेसल की बात करें, अब ब्लड वेसल में चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, किसी ब्लड वेसल की बात करें तो उस ब्लड वेसल में क्या होती है, तीन लेयर होती है, तीन लेयर, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लड वेसल है ना, अब ये ब्लड वेसल की ये आउटर लेयर है, फिर ये उसकी मिडल लेयर है, फिर ये इनर लेयर है, और अंदर क्या है उसका, ये उसका ल्यूमन है जहां से ब्लड फ्लो होगा, और ये क्या है इसकी लेयर है, तीन लेयर। तो तीन लेयर प्रेजेंट होती है ना, तीन लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है किसकी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर वाली, ठीक है। और अब मिडल वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया, मिडल वाली को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, मीडिया मतलब मीडियम, और जो मिडल में होती है, और सबसे अंदर होगी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एंटीमा, ठीक है। अब देखते हैं जो एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है कि ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, ये किसकी बनी है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका एक्सटर्ना अपनी बनी है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मेनली मेनली आप लगा के चलो कि मेनली कौन सा होता है, अपना कोलेजन फाइबर होता है, क्या, कोलेजन फाइबर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया की अगर बात करें तो ट्यूनिका मीडिया बनी है स्मूद मसल्स, ट्यूनिका मीडिया बनी है स्मूद मसल्स प्लस प्लस क्या है, इलास्टिन फाइबर, प्लस क्या है, इलास्टिन फाइबर। ये एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट कर दें, ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्ना में क्या था, कोलेजन फाइबर, और मीडिया में क्या है, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ठीक है। और ट्यूनिका एंटीमा किसकी बनी है, ये बनी है स्क्वेमस एंडोथीलियम, स्क्वेमस एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। देखो एक बेसिक सा रूल होता है, एंडोथीलियम जहां भी वर्ड आ जाना मतलब वो क्या है, ब्लड वेसल की इनर लेयरिंग है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं किसके बारे में, आर्टरी और वेन के, वे आर्टरी वर्सेस वेन, आर्टरी वर्सेस वेन, ठीक है। देखो होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ना, फॉर एग्जांपल ये है आर्टरी और ये है वेन, ये है वेन, ठीक है। देखो जो आर्टरी का ल्यूमन होता है ना वो कम होता है, देखो मान लो ये इसकी वॉल है, जो जो इसकी दीवार है आर्टरी की, इतनी ज़्यादा मोटी दीवार है, इतनी ज़्यादा मोटी, और वेन की थोड़ी सी पतली दीवार है, वेन की इतनी सी है। तो जो ल्यूमन है जहाँ से ब्लड फ्लो होगा, आर्टरी का क्या है, ये ल्यूमन कम है, और वेन का क्या है, ज़्यादा है, ल्यूमन ज़्यादा है, ठीक है। और क्या होता है, आर्टरी में जो वैल्व होती है ना, देखो जो वेल्व होती हैं आर्टरी में, वेल्व अब्सेंट होती हैं, और वेन में क्या है, वेल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, वेल में वेल्व प्रेजेंट होती है। अब यही कुछ रीज़न है कि आर्टरी में ल्यूमन भी कम है और वेल्व भी अब्सेंट हैं, है ना, और इसमें ल्यूमन भी ज़्यादा है, वेल्व भी प्रेजेंट है। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होगा वो तेज़ी से होगा ना, प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, और वेन के अंदर देखो ल्यूमन भी ज़्यादा है और वेल्व भी है ना, मतलब रुकावट भी है, तो इसमें प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, बिल्कुल। इतनी बातें हमें क्लियर हैं, ठीक है। और एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, और एक आर्टरी वर्सेस वेन के बारे में एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो वेन्स में, क्या होती है, कंपैरेटिवली थिन होती है। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं कि ट्यूनिका मीडिया वेन्स के अंदर कंपेरेटिवली कैसी होती है, थिन होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्यूनिका मीडिया वेन्स के अंदर कंपेरेटिवली थिन होती है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगर रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी की बात करें, या बोलो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे मैं जो अब बोलने जाऊँगा सिर्फ आपको इस चैप्टर में वो याद रखना है, बाकी का जो भी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, वो सब हम कहाँ याद रखेंगे, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, कहाँ, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन वाले चैप्टर में करेंगे ना, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जहाँ की चीज़ें हैं वहीं पर पढ़ो, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। जो यहाँ पर बताऊँगा वो याद रखेंगे। देखो मैंने एक बात की थी नोडल टिश्यू की, मैंने क्या बात की थी, एक नोडल टिश्यू की, जब हम डायग्राम बना रहे थे ना हार्ट का, जब हमने नोडल टिश्यू की बात करी थी ना, जिसमें क्या थे अपने एसए नोड थे, और क्या था, एवी नोड था, है ना, और क्या था, फिर आगे बंडल बन रहे थे, फिर बंडल ऑफ हिस बन रहे थे, है ना, ये सब बात की थी, ठीक है। तो यही एक्टिविटी में हमें यही याद रखना है बस इस चैप्टर में। अब ये नोडल टिश्यू जो होता है ना, ये क्या है, एक तरह की मसल है, ये
ये एक तरह की मसल है, एक तरह का मस्कुलेचर है। तो सिंपल है, ये एक तरह की मसल है, मतलब ये जो अपना एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर रहा था वो कौन कर रहा है, मसल कर रही है। वो कौन कर रहा है, मसल कर रही है ना, जो दिल को धड़का रही है वो क्या है, मसल्स है। तो इसीलिए इसीलिए हम अपने हार्ट को क्या बोल देते हैं, मायोजेनिक बोल देते हैं। मायो मतलब मसल्स के रिलेटेड है, मायो वर्ड किससे, मसल्स के रिलेटेड है। मायोजेनिक मतलब अपना हार्ट क्या है, कुल मिला के मसल्स पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट है डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें डिपोजिशन हो जाती है किसकी, कैल्शियम हो गया या फैट हो गया, कोलेस्ट्रोल हो गया, इनकी डिपोजिशन हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, तो ठीक से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन। और क्यों होता है, क्योंकि हार्ट की मसल को ऑक्सीजन जो है वो सही से नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। एनसीईआरटी में इसी टाइप से लिखा हुआ है, नो पंपिंग ऑफ ब्लड, ये है हार्ट फेलियर, नो पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। थैंक यू।